पूरे देशवासी खुश है, क्योंकि एक युवा बल्लेबाज इस तरह से जाके खेलता है, उसमें भी बिहार से जाके, जहाँ पे क्रिकेट को उतना वो नहीं किया जाता अभी तक, देखिए एक भी स्टेडियम नहीं है बिहार में इंटरनेशनल। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ईशान किशन जैसे बहुतों टैलेंट यहाँ पे भरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो नहीं जा पाता है क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का मैनेजमेंट नहीं है। सरकार को सबसे पहले इस पर काम करना चाहिए। उसके बाद ईशान किशन का पारी जो उसने खेला, सबसे कम गेंद में जो है दोहरा शतक मारा, जो कि वीरेंद्र सहवाग जी का रिकॉर्ड था, वो उनको वो तोड़ दिया। इतना उत्साह है कि हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। कल मेरा तो दिल पूरा एकदम, क्या ही बताएं, मतलब कुछ, मतलब मेरे पास लफ्ज नहीं बचा है कि हम बोल पाए ईशान किशन के बारे में। गदगद हो गया एकदम, बिल्कुल खुश हो गए। अच्छा, एकदम पटना ही का है ना जी? जी जी, वो तो दिल से बिहारी एकदम पूरा। हाँ। एकदम दिल खुश कर दिया। अच्छा, आप लोग को लगता है कि हम भी ईशान किशन बन जाए? जी इंशाल्लाह कोशिश जारी है। हाँ। इंशाल्लाह देखा जाता है कि क्या होता है। हाँ। और थोड़ा सा ये कहेंगे कि थोड़ा यहाँ जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है, इनको भी लड़कों पर ध्यान देना चाहिए, और जो भी मैनेजमेंट वगैरह हो गया, और जो जो ऐसे लड़के हैं जिनके पास टैलेंट है, पैसे की कमी होती है, उनके पास सपोर्ट नहीं है। हाँ। उन लड़कों को पकड़े और वो अपने स्टेट के स्टेट लेवल पे उनको खिलाए। ईशान किशन कितना मारा क्या मारा, हम ककरो मानबे ना करते हैं, जो है मतलब ईशान किशन अपना एक बिहारी है दिखा दिया, जबकि इतना टाइम से मौका भी नहीं मिल रहा था। एक बिहारी, एक बिहारी सब पे भारी, इतना टाइम से मौका भी नहीं मिल रहा था, मौका मिला तो दिखा दिया। हाँ, तो बस सीधे सीधे यही बोलेंगे हम ऋषभ पंत को, और जितना भी ओपनर बैट्समैन है, ककड़ो कुछ मान भी नहीं करते हैं। हाँ, जो उसको मानता है सब पगला है, सब पगला है। काहे कि मौका जब मिला तो भारत के पगला ईशान किशन छोड़ा के, नहीं ईशान किशन छोड़ा के नहीं, इतना जितना मौका उन लोग को दिया गया, शायद इसका इतना अगर पहले इसको दिया होता शायद और आगे बढ़ता। आज कल लगा है तो पूरा शोर मच रहा है, वही होता क्रिकेट में सबकी, अगर पहले अगर मौका मिलते तो अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा बिल्कुल बढ़िया होता। इसीलिए हम बोलते किसी को मैंने करते, जो भी उसको मानता सब पगला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। एक बिहारी पूरा बांग्लादेशी पे भारी, ये कहावत हम इसलिए कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ कुछ क्रिकेट प्रेमी हैं, देखिए हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। कितना खुश है बिहार के लाल, कमाल कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ का निवासी वहाँ पे जाकर अच्छा खेल रहे हैं। हमारे पूरा देश गौरवान्वित है उससे। अच्छा। जो दोहरा शतक मारे हैं, सबसे कम गेंद में दोहरा शतक मार के जो इतिहास रचा है, वो इससे पूरा देश गौरवान्वित है। हम खुद नहीं, पूरा देश का बात कर रहे हैं, पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पूरा हम नहीं, हम पूरा देश का बात कर रहे हैं, पूरा देश गौरवान्वित। अच्छा, कल जब शतक मारा था, डबल शतक सेंचुरी मारा था ईशान किशन, तब कितना मतलब उत्साह था, कितना खुशी हो रहा था? पूरा पटना में बहुत उत्साहित थे, सब लोग उत्साहित थे, हम लोग बहुत उत्साहित थे। अच्छा, बहुत उत्साहित थे, बहुत उत्साहित थे, जिसमें 24 चौका 10 छक्का लगा था। 131 बॉल में 210 रन बनाए। हाँ, 131 गेंद में 210 रन। पहला तेज बैट्समैन है जो डबल सेंचुरी बनाया है। हाँ ठीक है, देखिए और भी कुछ बात करेंगे। क्या नाम है? अमित। कहाँ का है? त्रिवेणी का, सुपौल। सुपौल के हैं। तो जो ईशान किशन कल जिस तरह से डबल सेंचुरी जड़ा है, बिहार का है, ये अपने आप में बहुत अहम बात है। कितना खुश हैं आप? बहुत खुश है सर, हम नहीं पूरे देशवासी खुश है, क्योंकि एक युवा बल्लेबाज इस तरह से जाके खेलता है, उसमें भी बिहार से जाके, जहाँ पे क्रिकेट को उतना वो नहीं किया जाता अभी तक, देखिए एक भी स्टेडियम नहीं है बिहार में इंटरनेशनल। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ईशान किशन जैसे बहुतों टैलेंट यहाँ पे भरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो नहीं जा पाता है क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का मैनेजमेंट नहीं है। सरकार को सबसे पहले इस पर काम करना चाहिए। उसके बाद ईशान किशन का पारी जो उसने खेला, सबसे कम गेंद में जो है दोहरा शतक मारा, जो कि वीरेंद्र सहवाग जी का रिकॉर्ड था, वो उनको वो तोड़ दिया। उसके बाद अच्छा लगा, विराट कोहली भी ये शतक मारे दो साल बाद, तीन साल बाद उसका वनडे में एक शतक आया है, तो अच्छा लग रहा है। अब इंडियन टीम परफॉर्मेंस करे इसी तरह से, अब टेस्ट क्रिकेट है आगे, उसमें जो जो ईशान किशन को इग्नोर कर रहा था कि ऋषभ पंत को रखेंगे, सुरेश अय्यर को रखेंगे, ये सबका नाम आते रहता था, लेकिन ये ईशान किशन आखिर इतना बड़ा शतक, डबल सेंचुरी जड़ दिया, अपने आप में बहुत अहम बात। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ऋषभ पंत को बराबर देखिए, तीन साल से लगातार मौका दिया जा रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। एक टेस्ट क्रिकेट है जिसमें वो अच्छा कर रहा, तो टेस्ट में आप रखिए, और वनडे और टी20 में कम से कम ईशान किशन को या संजू सैमसन को मौका दीजिए। तो ईशान किशन अच्छा कर रहा, तो ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि वो बिहार से है तो उसको दबाया जा रहा, बार बार टैलेंट को आप दबा नहीं सकते हैं। अच्छा, अब ईशान किशन को इग्नोर करेगा तो बिहार माफ करेगा? बिल्कुल माफ नहीं करेगा, ट्विटर ट्रेंडिंग चलेगा, और जो जो होगा रोड पर उतर जाएगा आदमी, माफ कैसे करेगा भाई? कल दोहरा शतक मारा तो जश्न मना है, तो हम लोग रोड पर उतर जाएंगे उसके लिए। बिल्कुल रोड पे उतर जाएंगे भैया। देख लीजिए, बिहारी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, देखिए इन युवा का वादा है। क्या नाम है जी? मेरा नाम खालिद हसन होगा।
कितना उत्साह, डबल सेंचुरी मार, अरे इतना उत्साह है कि हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। कल मेरा तो दिल पूरा एकदम, क्या ही बताएं, मतलब कुछ, मतलब मेरे पास लफ्ज नहीं बचा है कि हम बोल पाए ईशान किशन के बारे में। गदगद हो गया एकदम, बिल्कुल खुश हो गए। अच्छा, एकदम पटना ही का है ना जी? जी जी, वो तो दिल से बिहारी एकदम पूरा। हाँ। एकदम दिल खुश कर दिया। अच्छा, आप लोग को लगता है कि हम भी ईशान किशन बन जाए? जी इंशाल्लाह कोशिश जारी है। हाँ। इंशाल्लाह देखा जाता है कि क्या होता है। हाँ। और थोड़ा सा ये कहेंगे कि थोड़ा यहाँ जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है, इनको भी लड़कों पर ध्यान देना चाहिए, और जो भी मैनेजमेंट वगैरह हो गया, और जो जो ऐसे लड़के हैं जिनके पास टैलेंट है, पैसे की कमी होती है, उनके पास सपोर्ट नहीं है। हाँ। उन लड़कों को पकड़े और वो अपने स्टेट के स्टेट लेवल पे उनको खिलाए, और बिहार को भी मतलब आगे जाना होगा क्रिकेट में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिहार को तो जाना ही होगा क्योंकि पहले मान्यता नहीं थी, तो उस टाइम से ईशान किशन खेल रहा है। जी जी, उससे पहले तो वो आई थिंक, हमको जहाँ तक लगता है कि वो झारखंड में प्रैक्टिस करते थे। हाँ। अभी भी शायद वहीं से वो खेलते हैं, जो जो बिहार से भी खेलते थे। हाँ हाँ, रणजी खेले थे झारखंड से। हाँ, रणजी जो भी मैच है आई थिंक, उतना पता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। देखिए और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है भाई? आकाश यादव। ईशान किशन के तो जानते ही हो। हाँ भैया, निमन से जानते हैं। निमन से जानते हो, क्या कहोगे कल डबल सेंचुरी मार दिया? क्या कहे, पूरा बिहारी खुश था, हम भी खुश हैं। और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, एक बिहारी के लिए, देश के लिए भी नाम रोशन किया ना भैया। पूरा देश गौरवान्वित महसूस, पूरा देश एकदम वो इतिहास में अपना नाम रच दिए। अच्छा, मान लो बिहार आएगा ईशान किशन, डबल सेंचुरी तो मार ही दिया है, अब बिहार आएगा तो तुम लोग कैसे स्वागत करोगे? कैसे करेंगे भैया? हाँ। जैसे फूल माला से करते वैसे करेंगे, और कैसे करेंगे, धूम मचा के करेंगे, और क्या कर सकते हैं। देखिए आर्मी के टी शर्ट पहने हुए आर्मी के जवान, भैया खड़े हो जाइए आप थोड़ा सा। क्या नाम है? राजीव यादव। आर्मी, इंडियन आर्मी का टी शर्ट पहन के क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ। ईशान किशन डबल सेंचुरी मारा है, कितना खुश है? बहुत खुश है। हाँ। हमें इतने पूरे बिहार देश वाले सब खुश हैं। हाँ। पूरा देश खुश है। हाँ। अब बिहार को और खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए बिहार वासियों को भी। पूरा मिलना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए। है ना, खुश है एकदम? पूरा खुश है, पूरा खुश है भाई, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। ऐसे भी मतलब किसी से पूछने की बात है नहीं कि ईशान किशन कितना मारा क्या मारा। हाँ। हम ककरो मानबे नहीं करते हैं, जो है मतलब ईशान किशन अपना एक बिहारी है दिखा दिया, जबकि इतना टाइम से मौका भी नहीं मिल रहा था। एक बिहारी, एक बिहारी सब पे भारी, इतना टाइम से मौका भी नहीं मिल रहा था, मौका मिला तो दिखा दिया। हाँ। तो बस सीधे सीधे यही बोलेंगे हम ऋषभ पंत को, और जितना भी ओपनर बैट्समैन है, ककरो कुछ मानबे नहीं करते हैं। हाँ। जो उसको मानता है सब पगला है, सब पगला है, काहे कि मौका जब मिला तो भारत के पगला ईशान किशन छोड़ा के। नहीं, ईशान किशन छोड़ा के नहीं, इतना जितना मौका उन लोग को दिया गया, शायद इसका इतना अगर पहले इसको दिया होता शायद और आगे बढ़ता। आज कल लगा है तो पूरा शोर मच रहा है, वही होता क्रिकेट में सबकी, अगर पहले अगर मौका मिलते तो अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा बिल्कुल बढ़िया होता। इसीलिए हम बोलते किसी को मान मैंने करते, जो भी उसको मानता सब पगला है, पूरा खुश है, बिल्कुल खुश है। हम तो कहते हैं इसको अभी देना चाहिए, और मौका देना चाहिए था, अभी और मौका देना चाहिए, बिल्कुल अभी युवा है, अभी बिल्कुल मौका देना चाहिए था। ठीक है, एक बिहारी सब पे भारी। जी सर, एक बिहारी सौ पे भारी। हां सब पे भारी, पूरा बांग्लादेश है कहने दीजिए। अरे वो जब खेल रहे थे, छक्का पे छक्का मार रहे थे, चौका पे चौका मार रहे थे, जब जब छक्का मार रहे तब तक पूरा पटना में हो हल्ला हो रहा, पूरा पटना में क्या, पूरा पटना में क्या, पूरा बिहार में, पूरा बिहार ही क्यों, पूरा देश में। भैया दो मिनट रुक जाइए। सबसे कम गेंद में शतक, दोहरा शतक मारना सबसे कम बड़ी बात नहीं है, 210 रन की पारी है, उसमें कितना कितना उसको एनर्जी वेस्ट करना पड़ा, कितना एनर्जी वेस्ट करना पड़ा होगा। हाँ। जी सर, जब छक्का चौका लगता था दिल में एकदम उत्साह आ जाता, हम तो बोलते थे उसको पहले से मौका देना चाहिए, उसको मौका नहीं मिला, इसलिए वो उतना मौका नहीं मिला जितना उसको मिलना चाहिए था। हाँ। इससे पहले ऋषभ पंत को मौका मिला, इससे पहले बहुत बहुत पहले बात इग्नोर उसको किया जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे बिहार के लोग? अरे क्या करेंगे आप, क्या बात कर रहे हैं, हम लोग तो रोड पर उतर जाएंगे, दंगा फसा तबाही मचा देंगे, उसके लिए लड़ेंगे हम लोग। क्या बिहारी को दबा देगा? हाँ, इतना खून गर्म है बिहारी का, क्या बोल रहे हैं जी? हाँ, तबाही मचा देंगे अगर ईशान किशन को इग्नोर करें, तबाही मचा देंगे, रोड पे आ जाएंगे, रोड पे बिहार बंद, बिहार हड़ताल, रोड चक्का जाम कर देंगे, क्या बात कर रहे हैं।
चक्का जाम करने के लिए भी तैयार है। देखिए बैट लेकर के जा रहे हैं, लग रहे हैं ईशान किशन 2 है। क्या नाम है? दीपक। दीपक हाँ, मतलब ईशान किशन जब कल सेंचुरी मारा कैसे देख रहे हैं? कितना खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। बिहार का लड़का मार रहा है, बहुत खुश है। एकदम दिखा दीजिए कि ईशान किशन मारते रहिएगा, दिखा दीजिए। अरे हम लेफ्टी नहीं है। अच्छा कैसे मारी देखिए खेला दिखा दिया कि भारतीय क्या है, पटना का लाल क्या है। हाँ। बहुत बढ़िया बहुत खुश है। क्या नाम है? दीपक। देखिए दीपक भाई दिखा दिए कि ईशान किशन कैसे छक्का मारता है, और बिहार के लोग कह दिए कि अगर अब ईशान किशन को इग्नोर किया जाएगा तो पूरा बिहार में तहलका मचेगा, धमाल मचेगा, रोड में उतरेंगे, तोड़फोड़ होगा। और बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं बिहार के लोग ही नहीं, पूरा भारत के लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।